वेलकम टू सेम स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिखने वाले गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर हमारे 3 दिसंबर से लाइव होने वाले, इसके रिगार्डिंग ट्वीट करना है आपको, रीट्वीट करना है, उसके रिगार्डिंग डिटेल में दिखने वाले क्या है पूरी अपडेट हम जानने वाले और GTU के ऑफलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग हम जानने वाले। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो सभी के अपडेट आपको मिलती रहे। डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी की वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेगी। आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द चैनल, रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिगार्डिंग द करियर, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक में, दोनों पेज को फॉलो कर दीजिए। कोई भी आपको डाउट है मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया स्टूडेंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक इज गोइंग 3rd December टॉक अबाउट द अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एंड वेरियस बोर्ड एग्जाम। शेयर योर कंसर्न एंड सजेशन विद द हिम यूजिंग हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव। यानी कि 3 दिसंबर से एजुकेशन मिनिस्टर लाइव होने वाले, तो आपका ओपिनियन रखना है हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव। मैंने ट्वीट कर दिया है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो, गुजरात यूनिवर्सिटी हो, VNSU यूनिवर्सिटी हो, इन शॉर्ट गुजरात की जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, सभी की एग्जाम हमको ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के लिए मैंने ट्वीट किया है। ट्वीट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस ट्वीट को आप रीट्वीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास रीट्वीट कराइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट होगा तो ट्विटर ट्रेंड बनेगा और ट्विटर ट्रेंड बनेगा और हमारी गुजरात की बात, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की बात केंद्र सरकार के पास यानी मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन के पास पहुँचेगी कि गुजरात के स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं चाहते। क्योंकि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, इनमें ही GTU का एक आर्टिकल आया था, उसके इंस्टाग्राम पेज पर उन्होंने क्लियर बताया कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। वहीं एक साथ के साथ राज्य सरकार का भी स्टूडेंट है वैसे बोल रहे हैं और केंद्र सरकार भी स्टूडेंट का सजेशन लेना चाहते हैं। तो मेरा क्लियर रिस्पॉन्स है यहाँ पर, आपकी 100% ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी, 100% ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, क्योंकि सजेशन में आपको यही देना है हमारी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करिए और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको ईजी रहेगा, MCQ रहेगा, MCQ की प्रिपरेशन आपकी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और इंटरव्यू के एग्ज़ाम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ट्वीट कीजिए, सभी के साथ वीडियो शेयर कीजिए और अपने ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सभी वीडियो देखिए, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सभी अपडेट आपको डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पिनल कोड, CRPC की एक्सप्लेनेशन वीडियो और सभी MCQ वीडियो में अपडेट करता हूँ। इसकी अपडेट और अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसी के वीडियो की अपडेट, सभी की अपडेट आपको मिलती रहेगी चैनल पर। तो चैनल के वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ट्वीट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।